अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे, मुझे सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो है शादियों वाला पालक गोश्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैंने लिया है 1 पाउंड गोश्त और 2 पाउंड मैंने पालक लिया था। उसको मैंने पत्ते उसके निकाल के उसको ब्लांच किया और फिर ज़रा सी चुटकी इसमें सोडे की डाली ताकि इसका कलर चेंज ना हो। ये देखें इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है। फिर इसको चॉपर में डाल के दो दफ़ा चला लिया, उसमें एक हरी मिर्च भी साथ में शामिल कर ली। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है तो इसलिए पहले नमक थोड़ा डालेंगे, बाद में टेस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून दही, 1/4 कप दही दूध और 1 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम गोश्त को चढ़ाएंगे, भून के गलाने को रख देंगे, उसके बाद बाकी प्रोसेस करेंगे। तो हमने इसमें पैन में 1/2 कप देखिए तेल लिया, उसमें 1 टीस्पून हमने डाल दिया ज़ीरा, थोड़ा सा इसको सोते करेंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज, इसको हमें फिर ट्रांसपेरेंट करना है प्याज को। हमारी प्याज सोते हो गई, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालेंगे। धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला ना जले। थोड़ा सा मसाला पानी डाल के हम मसाले को भुनेंगे। जब मसाले का कच्चापन निकल जाएगा तो फिर इसमें हम गोश्त डाल के भुनेंगे। अभी बस हमारा ये मसाला भुन गया, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त को 5 मिनट भुनेंगे ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और गोश्त जो है वो अच्छे जैसा सा भुन जाए। देखिए हमारा गोश्त भुन गया, अब इसमें हम इस स्टेज पर टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर 1.5 से 2 कप पानी डाल के 1/2 घंटे के लिए इसको ढक देंगे और मीडियम स्लो आंच पे इसको गलाएंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। अभी हम इसमें पानी डालते हैं, 1.5 कप मैंने पानी डाला है, ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूँगी बीच में से। इसको खोल के हम देखेंगे गोश्त हमारा कितना गलता है और उसको अगर पानी और चाहिए होगा तो हम और पानी डाल देंगे। आपसे मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद। रिवर से हमारा देखें गोश्त हमारा गल गया, अब इसमें हम डालेंगे दही।
इसको भुनेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा इसमें हम पालक डालेंगे। अभी हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। तकरीबन हाफ टी स्पून पिसावा गरम मसाला, क्योंकि हमने शुरू में साबुत गरम मसाला या कुछ ऐसा नहीं डाला, तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल के उसको भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। देखिए दही का पानी खुश्क हो गया, अब हम इसमें डालेंगे पालक। अब इसमें हम 1/4 कप दूध डाल के इसको धीमी आंच पे थोड़ा पकने देंगे। दूध हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ी इसकी पालक की बिटरनेस जो होती है ना वो उससे कम हो जाती है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट इसको पकने देंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स देखिए हमारा पालक गोश्त भून गया। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस का डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा खुशबू के लिए, तो मिक्स करेंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा ये मज़ेदार सा पालक गोश्त रेडी है। आप ये देखिए कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बहुत मज़े का बनता है। इसके ऊपर मक्खन ज़रूर डाल के खाइएगा, उससे इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। तो खाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।